हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल जीजी एजुकेशन पॉइंट। पिछले वीडियो में हमने अनुसंधान उपकरणों के बारे में पढ़ा था, उपकरणों के प्रकार पढ़े थे। उसमें हमने साक्षात्कार विधि के अंतर्गत कुछ चीज़ें देखी थी कि हम साक्षात्कार किस प्रकार का लेते हैं। तो उसमें हमने एक चीज़ देखी थी नैदानिक साक्षात्कार, ठीक है, और एक देखा था निदानात्मक साक्षात्कार, ठीक है। तो क्योंकि मैंने उसे वहाँ पर डिटेल में नहीं समझाया था, तो आज मैं आपको यही चीज़ जो है वो क्लियर करूँगी, ठीक है। निदानात्मक साक्षात्कार और नैदानिक साक्षात्कार क्या होता है, इसके साथ साथ एक चीज़ और है निष्पत्ति परीक्षण, ठीक है। निष्पत्ति परीक्षण का प्रयोग हम करते हैं, तो वो हम क्यों करते हैं, ठीक है। तो आज हम इन तीनों टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। छोटी सी वीडियो है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं नैदानिक साक्षात्कार क्या है। देखिए आप, निदानिक का मतलब क्या है, क्लिनिकल, ठीक है। क्लिनिकल का मतलब क्या है, चिकित्सा के रूप में जिसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चिकित्सा की तरह हम जिस इंटरव्यू का यूज़ करते हैं या जिस बातचीत का प्रयोग हम चिकित्सा की को ध्यान में रखते हुए करते हैं, उसको हम नैदानिक साक्षात्कार कहते हैं। जैसे साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, जब उनके पास कोई प्रयोज्य आता है, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती है, तो वो उसकी असामान्यताओं को देखने के लिए इस वाले टेस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है, या इस विधि का प्रयोग करते हैं, नैदानिक साक्षात्कार का प्रयोग करते हैं। पहले वो बच्चे से या जो भी उसका प्रयोज्य है, जो भी उसका क्लाइंट है, उससे वो इंटरेक्शन बनाते हैं, ठीक है, बातचीत करके, उसकी भावनाओं को जान के, उसकी मोटिवेशंस को जान के या उसकी रुचियों को जानकर वो उससे बातचीत करते हैं। उसके बाद उसकी समस्याओं के बारे में पता लगाते हैं कि वास्तव में उनकी समस्याएं हैं क्या। वैसे आजकल जो होता है ना, स्कूल्स में भी क्लिनिकल साइकोलॉजी का यूज़ करके जो है, या जो साइकेट्रिस्ट होते हैं या काउंसलर्स वगैरह जो होते हैं, वो बच्चों की अलग अलग समस्याओं का समाधान करने के लिए रखे जाते हैं, ठीक है ना। तो नैदानिक साक्षात्कार का प्रयोग हम वहाँ करते हैं, या नैदानिक शब्द का प्रयोग हम वहाँ करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या थी, निदानात्मक, ठीक है। इस शब्द का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, डायग्नोस्टिक, ठीक है, डायग्नोस्टिक के लिए करते हैं, या डायग्नोस्टिक इंटरव्यू में इसका प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, साइकेट्रिस्ट ने परेशानियाँ देख ली, समस्याएँ देख ली, या टीचर ने अपने बच्चे की क्लास में समस्याएँ जान ली, उसके बाद टीचर अपने बच्चे को किस प्रकार से ठीक करेगा, ठीक है ना, या साइकेट्रिस्ट अपने पेशेंट का इलाज किस तरह से करेगा, तो हम डायग्नोस्टिक इंटरव्यू का प्रयोग करते हैं, या निदानात्मक या उपचारात्मक इंटरव्यू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग के लिए किया जाता है, उपचार के लिए किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, डायग्नोस्टिक में उपचार की विधियां होती हैं, ठीक है। पहली विधि होती है मौखिक रूप से, इसको टीचर कक्षा में भी करते हैं, ठीक है ना, कक्षा में टीचर इसका प्रयोग करते हैं। दूसरी विधि होती है लिखित रूप में, और तीसरी होती है परीक्षण के द्वारा या प्रैक्टिकल द्वारा। ठीक है, तो ये तीन विधियां इसमें होती हैं। मौखिक रूप से का मतलब है जब बच्चे का उपचार प्रश्न पूछकर उत्तर लेकर किया जा रहा है, ठीक है, उसका इंटरव्यू ओरली किया जा रहा है, या ओरल उसका उपचार किया जा रहा है, ओरल से पता जानकारी प्राप्त की जा रही है, तब हम इसका यूज़ करते हैं। लिखित विधि में जब बच्चे से कुछ लिखवाया जा रहा है, ठीक है। अब जैसे बच्चे की एक समस्या, हमने हैंड राइटिंग की समस्या देखी क्लास में कि बच्चे की हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है, ठीक है, तो उसका हम ओरली तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, उसको तो हम लिखवा कर ही देखेंगे। तो टीचर बच्चे को 1 पेज डेली राइटिंग में करने के लिए दे देता है, उसके राइटिंग के इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है ना। तो ये
जो डायग्नोस्टिक सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट सामने आता है, ये ट्रीटमेंट उसका किया जाता है, ठीक है। तो ये रिटन वर्क में होता है, ये मौखिक ओरली होता है, जैसे कोई चीज़ लर्न करने के लिए बच्चे को दे दी गई, ठीक है। प्रैक्टिकल या परीक्षण, जब बच्चे को कुछ ऐसे गेम्स कराए जाते हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं जिससे कि बच्चे की वो समस्या, जिस समस्या से वो जूझ रहा है, वो ख़त्म हो जाए। जैसे कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, शाई नेचर के होते हैं, बच्चों से एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, अच्छे से घुल मिल नहीं पाते हैं, तो बच्चों को खेल द्वारा, है ना, खेल कर एक्टिविटीज़ करा के या गेम्स करा के बच्चों को एक दूसरे के साथ जोड़ने की कोशिश की जाती है, ठीक है। उनसे इंटरेक्शन कराने की कोशिश की जाती है, उन्हें ग्रुप में काम दिया जाता है, टीम टीचिंग की जाती है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। समझ में आ गया इतना। अब हमने तीसरी चीज़ देखी थी, क्या था तीसरा, तीसरा था निष्पत्ति परीक्षण। निष्पत्ति, ठीक है, ये चीज देखी थी ना, निष्पत्ति क्या। अब हमने परिप्रेक्ष्य परीक्षणों में लास्ट वाला टॉपिक देखा था, परिप्रेक्ष्य परीक्षण में लास्ट टॉपिक क्या था, अभिवृत्ति, ठीक है, या निष्पत्ति या योग्यता, ठीक है। तो इसका जब मापन हम करते हैं तो हम निष्पत्ति परीक्षणों के माध्यम से करते हैं, निष्पत्ति के द्वारा करते हैं, ठीक है। बच्चे की जो रिजल्ट है उसको देखना, स्कोरिंग देना, उसको स्कोर देना, ठीक है। तो हम उसकी जो अभियोग्यता होती है उसके आधार पर उसको स्कोर देते हैं, और इसमें हम दो चीज़ों का, दो विधियों का उपयोग करते हैं। एक तो बच्चे को निबंधात्मक परीक्षण देकर या बच्चे को वस्तुनिष्ठ परीक्षण देकर, ठीक है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण कौन कौन से होते हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षण में एक शब्द वाले परीक्षण, सत्य असत्य वाले, असत्य सत्य वाले आ जाते हैं, ट्रू और फॉल्स जिसे कहते हैं, ट्रू एंड एफ, ठीक है, या जो फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं, रिक्त स्थान जिन्हें कहते हैं, ठीक है, या फिर बहुविकल्पी आ जाते हैं, बहुविकल्पी है, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्नों का टेस्ट पेपर बनाकर दिया जाता है, या फिर निबंधात्मक प्रश्नों का परीक्षण पत्र टेस्ट पेपर बना के दिया जाता है। तो निष्पत्ति परीक्षण क्या होता है, क्लास में ऊपर लेवल बढ़ाने के लिए होता है, इसका प्रयोग तब किया जाता है, इसका प्रयोग उपचार करने के लिए किया जाता है, बच्चे में कोई कमी होती है तब, ये क्लिनिकल साइकोलॉजी में जब बच्चा मानसिक रूप से परेशान होता है तब इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो तीनों चीज़ें मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होंगी, इन्हें और ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको पसंद आएगा। बाय।